बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाओं की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसके तहत अलकनंदा नदी और तप्त कुंड के समीप भगवान केदारेश्वर महादेव और कड़ेश मंदिर के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बुधवार 16 नवंबर दोपहर को आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि 17 नवंबर को खड़ग पुस्तक और वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा। वहीं 18 नवंबर को भगवान नारायण के साथ गर्भगृह में विराजमान होने के लिए मां लक्ष्मी का आह्वान किया जाएगा और 19 नवंबर को बद्री विश्वालय जी के मंदिर के कपाट अपराहन 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक रिकॉर्ड 17,38,000 से अधिक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने से 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। बद्रीनाथ यात्रा में 17 लाख से ज़्यादा लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं और अभी कुछ दिन में 19 तारीख को कपाट भी बंद हुआ है। और इस बार हमने, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी, यात्राओं कराना, जो हमने एक सफल उसका आयोजन किया, साथ ही साथ जो कुछ कमियां रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। इस बार बद्रीनाथ हमें ये सारे रिकॉर्ड थे और जो हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा यात्री इस बार बद्रीनाथ आए हैं और अभी तक भी 6,000-7,000 पर डे आ रहे हैं। टोटल अभी तक 17,25,000 से ऊपर यात्री बद्रीनाथ पहुँच गए हैं और 5 दिन का टाइम अभी हमारे पास आ रहा है यात्रा के लिए। मैं शैलेश सराफ बॉम्बे से आया हूँ। बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुहाना मौसम है, ठंड है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ दिख रहे हैं, सरस्वती नदी का दर्शन हो रहा है, सरस्वती अलकनंदा में मिलते हुए दिख रही है और अब हम भीम पूल देखे हैं और चाय पिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अद्भुत आनंद है।